लो। शराब पी के भी तुम्हें चढ़ी कैसे नहीं अब तक? लगता है तुम नाटक कर रही हो। और दो। और लो। नमस्ते। काम पे लग जाओ। जी। मैं कितनी देर तक सोया था? 2 दिन। तुम पूरी तरह बेवड़ी हो क्या? इतना पी के भी तुम्हें कुछ चढ़ी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तुम नहीं मानी। सिर्फ तुम ही ऐसी हो जो पीने में मुझसे जीत सकती हो। मुझे तुम पर नाज है। तो बताओ, मुझे तुम्हें कितना देना है? कल का हिसाब जोड़ा तो 240 सिक्के। 240 सिक्के? इतने पैसे किसके? पहले जैसे ही महीने के अंत में दे देना। बस कुछ ही दिन बाकी है, अगले महीने दूं तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। मुझे लगता है अब तुम मुझे गालियां दोगी। सराय के भी कुछ कायदे होते हैं। अगर हम यहाँ रहना चाहते हैं तो हमें कभी भी नियमों को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए। ये तुमने सही कहा। लेकिन जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे किसी की याद आती है, वो भी बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे था। हमेशा कायदे कानून की बातें करता था। जो नियमों का पालन करता है सिर्फ वही इस दुनिया में ज्यादा समय जीवित रहता है। बहुत बढ़िया। 10 साल पहले जब मैं एक ऐसे खेल में शामिल हुआ था जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल था, उस वक्त मैं लियांग पिंग से मिला था। उसने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई। Oh!
से। तुमने उस तरह का इंसान कभी नहीं देखा होगा। मैं चाहता हूं तुम हार जाओ, लेकिन तुम हमेशा जीतते हो। मरते दम तक हार नहीं मानोगे। आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? मैं नियमों का पक्का आदमी हूं। हमारी इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। नियम? मैं तो कभी नियमों का पालन नहीं करता। यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ, समझे? मार दो। माफ कर दो महाशय। सुनो, बस करो। फिर क्या हुआ? पिंग ने मुझे बताया था कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। दुनिया को बदलने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। महाशय, हमारा हस्ताक्षर कीजिए। एक आदमी का पंजीकरण शुल्क 2 सिक्के हैं चांदी के। हाँ हाँ ठीक है। ये ये लो। चलो चलो जल्दी हस्ताक्षर कर दो। मैं लियांग पिंग और ये गाओ तियन। आगे क्या हुआ? चलो बाहर निकलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। महाशय, हमने इतना अच्छा खेला है, हम हार कैसे गए? बड़े बेवकूफ हो यार, बिना रिश्वत दिए कैसे सैनिक बनोगे? इन लोगों को देखो, 150 चांदी के सिक्के दिए इन्होंने। अगली बार पैसे लेके आना और सैनिक बनना। महाशय, महाशय रुको, चलते हैं। चलो, ये पिंग के लिए बहुत बड़ा झटका था। किसी ने सही कहा है, आजकल ताकत से कुछ नहीं होता, धन मायने रखता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसों में बहुत ताकत होती है। नियमों को पालन ना करने की यही सजा है। सैनिक बनने के लिए रिश्वत, बेईमान।
तो क्या तुम लोग? मौत हुई वो मेरे पिताजी थे, ज़ाओया मिंग, निंग शहर के बहुत बड़े व्यापारी। वो बचपन से ही भटक रहे थे और उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। जब से मेरा जन्म हुआ उन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया और निंग शहर में 17 वर्ष बिताए और एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। किसे पता था जिस दोस्त पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही उन्हें मार डालेगा। आपको समझ आना चाहिए था ये सब सही नहीं हो रहा। मेरे पिताजी को मारने वाले का नाम ल्यूलिन है। मेरे पिताजी उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद के चाचा से भी बढ़कर मानते थे। लेकिन उसने चाकू से मेरे पिताजी को मार डाला। मिस साओ, निंग शहर में हर दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है। किस बात को लेकर हंगामा हो रहा है? इस मामले को सुलझाने के लिए हमें अधिकारियों की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बस वापस जाओ। प्रमुख जी, मैं रोलान। प्रमुख दो, मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की है। धन्यवाद के स्वरूप ये भेंट स्वीकार कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप जितनी जल्दी हो सके ल्यूलिन को गिरफ्तार कर लेंगे। मोहतरमा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। चलो निकलो यहाँ से, ठीक है? चलो बेटा यहाँ से, अब चलो चलो चलो। प्रमुख दाऊ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात बताओ, हम लोग इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की बातें जानते हैं, तो मुझे सच सच बताओ तुम्हारे सराय की कहानी क्या है? सुना है सराय में दहशत मची रहती है, फिर भी तुम्हारा सराय सही सलामत है। आखिर तुम हो कौन? अंदर आओ प्रमुख जी। अंदर आ जाओ। प्रमुख जी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? प्रमुख जी, क्या ये मान हा? तुम यहां कब से काम कर रहे हो? 1 साल 11 महीने और 11 दिनों से। अभी तक कोई मामला सुलझा नहीं? मैं मामले को सुलझा रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा, पूरी कोशिश करना ये मामला सुलझाने की, फिर मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। प्रमोशन के बाद तुम खुफिया विभाग के अधिकारी बन जाओगे। क्या ये सच बात है? क्या
अगर ये सच है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। हाँ हाँ, शुक्रिया। रोला, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं मैं? लगता है ल्यूलिन की पहुंच सच में काफी ऊपर तक है। पुलिस वाले हमारी मदद करने से मना कर रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। देखो, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर एक आदमी हमारी इस मामले में मदद कर सकता है। और वो कहाँ? यूजिन सराय में। यूजिन सराय में? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो निकम्मा सही सलामत है। कैसे कर लेते हैं ये इस तरह रहना? हम हर निकम्मों का बचाव नहीं करते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाते हैं जिनमें कुछ खास होता है। फिर मेरे लिए यहाँ पर रहना सम्मान की बात होगी ना? इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो हिम्मत करेंगे युआन परिवार के खिलाफ जाने की। प्रमुख जी, आप इतना बड़ा मामला उस निकम्मे मान को क्यों दे रहे हैं? तुम्हें क्या पता है इन दिनों कितने ताकतवर लोग मारे गए? मालूम है क्या तुम्हें, हमारे शहर में दहशत का माहौल है। एक पुलिस होने के नाते यह हमें संभालना होगा, लेकिन मेरे वरिष्ठों ने मुझे एक आदेश दिया है जो मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। इसलिए मैंने ये मामला उसे सौंप दिया। अखबार वालों को कुछ बताने के लिए एक बहाना मिल जाएगा और वरिष्ठों के आदेश का सम्मान भी हो जाएगा। समझ गया, आपने कितना गलत फैसला लिया है प्रमुख जी। नहीं 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 नहीं, मतलब कितना सही फैसला लिया है आपने। आप तो महान हैं। मगर तुम्हें और संभाल कर रहना होगा और निशानों की सफाई कर दो। अगर इस निकम्मे को कुछ पता चल गया फिर हम वरिष्ठों को क्या जवाब देंगे, बताओ मुझे। जरूर पिताजी, माँ, दादाजी, मुझे आज बहुत बड़ा काम मिला है तो मैं असली पुलिस बन जाऊंगा। मैं आप सभी का नाम रोशन करूंगा। मैं जल्द ही ये मामला सुलझाऊंगा ताकि हमारे खानदान का नाम रोशन हो। ये खुशी की बात है और हम सबके लिए गर्व की। ऐ रुक जा। रोलन, हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ, आ जाओ। यही हमारा यूजियन सराय है। चाचा, अगर ल्यूलिन भी इसी सराय में छुपा होगा तो क्या हम उसे बदला ले पाएंगे? हाँ, चिंता मत करो तुम। ये सराय हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ रहने वाले या तो प्रतिभाशाली हैं या फिर अमीर हैं। ल्यूलिन जैसा बेकार आदमी यहाँ नहीं रह सकता, और इस बात को मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ तुमसे। नमस्ते। हाँ हाँ, आइए अंदर, इस तरफ। चलो अंदर आइए। आइए अंदर आइए, इस तरफ। हाँ, मोहतरमा, देखिए एक और अतिथि। निंग शहर में गुरु जाओ और उनकी पत्नी आए हैं ना? आपको कैसे पता? मेरे सराय में जो आते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे होती है। आपके यहाँ आना हमारे लिए गर्व की बात है। क्या पहले आप कुछ खाना चाहेंगे या सीधे काम की बात करें? रोलन, पहले काम की बात। मेरे साथ आओ। रोलन, तुम यहीं रुक जाओ। हाँ, क्या लेना चाहेंगे? एक कप चाय लाओ। लेकिन यहाँ पर तो शराब मिलती है, शराब लाओ। तो शराब ही लाओ। जी जरूर।
ये बड़े मजेदार है। हाँ हाँ ये लीजिए चक्के देखो। अरे भाई शराब भी आना चाहिए। कल का काम कैसा गया? लीजिए लीजिए मजे लीजिए। मुझे बताओ आप क्यों हंस रहे हैं इस पर? देखा जाए तो आम महिलाएं शराब नहीं पीती। अगर तुमसे नहीं पिया जाता तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तुमने हमारी कीमती शराब बर्बाद कर दी। कौन हो तुम? काम से काम रखो। मैं गावतियन, लड़ाई में माहिर और पीटने में सबका बाप। अगर आप यहाँ किसी मकसद से आई हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी शराब वापस दो। मुझे लगता है तुम झूठे हो। चलो अब निकलो यहां से। ठीक है लीजिए लीजिए, ये सब लोग चखिए। हमें एक नया काम मिला है। तुम्हें दिलचस्पी है तो स्वीकार कीजिए। तीसरे स्तर का काम है, हाँ? उसे कौन लेना चाहेगा? तीसरे स्तर का काम, आ जाओ। रोला, ये लोग हमारी मदद के लिए मान गए हैं। सच में? तुम्हारा बदला लियोलिन से जल्दी ले लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। गुरु जाओ और श्रीमती जाओ, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। चलिए। भाइयों ने तो तीसरे स्तर का काम भी ले लिया है लगता है। दोस्तों, क्या तुम लोग अपने काम के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? हमारे काम के बारे में जानना चाहता है तो अपनी आंखों से देख लो हमारा काम कैसा है। दिखाइए ना। बहुत आसान काम है हमारा। कोई सुनसान जगह को ढूंढो और मार डालो, फिर किसी को नहीं पता चलेगा लियोलिन आखिर है कहां पे। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें गलत आदमी मिल गया है। लगता है हमारे बारे में सुना नहीं तुमने। क्या हमने जो काम किया है उसके लिए तुम पैसे दोगे या नहीं? जल्दी करो, उस लड़की को ढूंढ के मार दो। अगर इस सराय में किसी ने भी हमें देख लिया तो निकल नहीं पाएंगे। भैया, वो लड़की देखने में कितनी खूबसूरत है। अफसोस की बात है, उसे मेरे लिए छोड़ दो तो कैसा रहेगा? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कचरा भरा हुआ है। अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो हम निकल नहीं पाएंगे। एक महान गुरु, उसे चाकू से मार दिया गया। हथियार कोई ऐरा गैरा नहीं हो सकता, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, मैं यहां रुककर किसी से प्रेरणा लेता हूं। रुपया बुरा मत मानना।
मेरे पास पैसे हैं, कृपया मुझे मत मारो। भैया सराय को इतनी जल्दी कुछ नहीं मालूम होगा, वो कितनी खूबसूरत है, उसे मारने से पहले एक बार मुझे दे दो ना। अरे बेवकूफ हो क्या, इस लड़की की वजह से जरूर मारे जाओगे तुम। भैया इस सराय में भले ही जाने माने लोग रहते हैं मगर वो कोई देवता थोड़ा है। दूर है। कौन है, कौन है वहां बाहर आओ। मोहतरमा तो बहुत बड़ी धूर्त है गौतियान, तुम्हारे साथ तो सच में कुछ गलत हो रहा है। गौतिन तुम्हें सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास रास्ता नहीं है, इन्होंने आपको ढूंढने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मुझ पर उनका बहुत बड़ा कर्ज था। मुझसे पैसे ले लो, इससे अपनी जिंदगी शानो शौकत से जी पाओगे। ये बेहद लुभावना है लेकिन मुझे नहीं चाहिए शातिर मालिक के साथ चालाकी। अगर मैंने तुम्हारे पैसे लिए तो मैं सराय का नियम तोड़ दूंगा, ऐसा करके मैं कैसे जी लूंगा, इसलिए बकवास बंद करो दोस्तों, मेरे साथ वापस आओ। गौतिन तुम्हें अपने ऊपर घमंड है ना, तुम्हें तो तुम हम दोनों को रखोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये परेशानी भरा है, जिंदगी बख्श दो तुम, हम लोग इसका बदला जरूर तुम्हें चुका देंगे। लेकिन नियम तोड़ने की सिर्फ एक सजा है। शुक्रिया, माफ करना मैंने जो पहले कहा। कितना हुआ? क्या कहा? मेरे पिताजी को मारने वाले का पता ढूंढो, कीमत बताओ। पचास सिक्के। तुम मुझे 240 चांदी के सिक्के दोगी। कैसी डकैती है? मेरे पास इतना नहीं है, मैंने सराय में इतना रुपया खर्च कर दिया है कि मुझे मेरे मालिक का कर्जा चुकाना है, इसलिए शायद तुम मदद कर दो। किसने कहा कि उनकी मौत होने से पहले हमें संदेश प्राप्त होगा? ये सब बकवास है इस किताब में। भाई यामिंग, कुछ दिनों से मुझे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद परेशानी हो रही है, मेरे ख्याल से वो रुकने वाले नहीं है।
चूजे चूजे, आखिर चूजे का क्या मतलब होगा? तुमने ये किस लिए लिखा? तुम इसमें हथियारे का नाम क्यों नहीं लिखते हो? अब गुस्सा आ रहा है। दौटियन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी कीमत मंजूर है, ये 50 चांदी के सिक्के हैं, बाकी काम होने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। मैं उसे तुम्हारे साथ पकड़ूंगी और खुद मारूंगी। पागल जैसी बातें मत करो, तुम सराय में जाकर मेरा इंतजार करो। तुम क्या कहा? तुम्हें अभी भी पछतावा हो सकता है, मगर एक बात है, ये वापस नहीं मिलेंगे। मैं हमारी सराय नियमों पर चलती है। आज तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं इसके लिए क्या करने वाली। ए, यहाँ पे साफ करो। हाँ, आपका दिन शुभ हो। ज्यादा मत पियो। अरे रुको, मैंने जो तुमसे वादा किया वो मैं पूरा करूंगा ही, इतनी जल्दी क्या है? सुनो। हाँ बस अभी आया। बोलिए क्या लाऊं? कागज और एक कलम। बस अभी लाया। ये लो आपका कागज और कलम, लिखो। क्या लिखूं? मैं शपथ लेता हूं कि तुमने सिर्फ 50 सिक्के दिए हैं। अगर तुम बीच में भाग गई तो क्या होगा, या फिर काम हो जाने के बाद तुमने पैसे नहीं दिए तो? तुम आसपास के लोगों से पता कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। ये मेरे लिए मामूली रकम है। तुम लिखोगी या नहीं? ये लो। सोने जा रहा हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी भी तो उठना है। सूरज निकलने से पहले चले जाओगे? तुम इतना जल्दी उठ गई? गौतियन, मुझे पता है तुम उसे छुटकारा पाना चाहते हो, और जब काम हो जाएगा तो ये शपथ पत्र लेकर मेरे पास आओगे। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगी। अगर तुमने ल्यूलिन को ढूंढा तो भी तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। कितनी जालिम हो तुम। लियो ल्यूलिन की पहुंच ऊपर तक है, तुमने कुछ सीखा नहीं क्या अपने ताई भाइयों से? अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। हाँ।
नमस्ते, यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। नमस्ते, एक बात बताएंगे, इन दिनों आपने कहीं जाओ रोलन नाम की कोई लड़की को देखा है? हाँ, वो तो चली गई निंग शहर की ओर। अच्छा, शुक्रिया। अलविदा महाशय। गौतियन, ये काम पूरा होने तक क्या तुम पीना बंद करोगे? जब तुम मेरा पीछा कर रही हो तो एक बात याद रख लो, नियम कायदे जान लो। पहला, शराब पीना ये मेरी आजादी है तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। दूसरा, मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है, सवाल विरोध करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, आगे जाकर अगर कुछ भी होता है मैं तुम्हें भागने को कहूंगा, तुम्हें वैसा ही करना है। लेकिन मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। कोई समझौता नहीं, अगर तुम सहमत नहीं हो तो काम बंद कर दो, मैं तुम्हें सिक्के लौटा कर किसी और के पास जा सकता हूँ। ठीक है, मंजूर है। चलो चलो चलो, तुम यहाँ हो, मुझे काफी भूख लगी है। शुक्रिया। हाँ, ये बच्चा कौन है? साथी है। साथी? नमस्ते महाराज, मैं आ गया हूं। मुझे महाराज कह रहे हो, ऐसे कह के मत बुलाओ मुझे तुम, अब उठ जाओ। जी शुक्रिया। मेरी नजरों में आपके सर पर एक खूबसूरत ताज है जो आपकी इज्जत है। तुम काफी अच्छी बातें करते हो, तुम्हारी इस कला की मैं दाद देता हूं मेरे दोस्त। शुक्रिया। पर अभी कोई मुझे मेरे काम से रोकना चाह रहा है। कृपया चिंता मत कीजिए, अब तक मैं आपके साथ हूं, आपका कोई कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि वो बूढ़ा अपनी जादुई शक्तियों से हमें वश में कर लेगा। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। दरअसल मैं नहीं चाहता कि वो शांत रहें। समझ गया। मेरे सर पे असली ताज चढ़ेगा या नहीं, ये सब कुछ अब सिर्फ तुम पे निर्भर करता है। मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे मिल गया। सच कह रहे हो? पक्का मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, जाओ। इधर कोई है क्या? नहीं, सिर्फ हवाएं हैं। जाओ सो जाओ।
कल हम कहाँ जाने वाले हैं? लियो यूलिन को पकड़ने। लेकिन कहाँ? पास में ही डकैतों का अड्डा है, किसी ने उसे डकैतों के नेता के साथ देख लिया। ये तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। भूल जाओ। तो तुम्हारा कोई और भी साथी है? क्या मेरा मतलब है, कोई और है जो तुम्हारी मदद करता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम ही तो हो। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आज का पूरा दिन कोई हमारा पीछा कर रहा था। कौन है वो? चिंता मत करो, वो कोई हिंसक आदमी नहीं है, कोई चीज ढूंढ नहीं पाता है शायद। क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं। हम सभी भाई आज तक हर मुश्किल हालात में एक साथ रहे, आज एक बड़े मामले में आपकी मदद की जरूरत है। अगर काम हो गया तो तुम लोगों को बहुत सारी शौहरत और दौलत मिलेगी, ये वास्तव में मायने रखता है। उम्मीद करता हूं आप इसे गुप्त रखेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को शपथ लेने की जरूरत है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। तुम कौन हो? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इसके बजाय मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? तुम इनकार कर रहे हो? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सुश्री जाओ को ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? मैं निंग शहर का एक सैनिक हूँ, जाओ यामिंग का हत्या का प्रभारी हूँ। जासूस मान चूजे से संबंधित किसी मामले को लेकर लियुलेन ने मेरे पिताजी को मारा। वैज्ञानिक फैसलों के आधार पर, लेकिन मुझे चूजे का मतलब पता है, गिरफ्तार होने के बाद। लेकिन तुम मेरा सहयोग कर सकती हो, इससे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या कहती हो, सहयोग करोगी ना? साथ काम करने का बड़ा मजा आएगा। हाँ, गार्डियन को मैंने सहायक रखा है, चलो साथ में काम करते हैं, उसे नीचे लाना आसान होगा। फालतू के कामों में मैं साथ नहीं देता। ए, क्या कहा तुमने? मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हें निकम्मा लगता हूँ? ये भी खा। देखते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो लड़ाई करते हैं। बेहतर है तो चली जाओ उसके पास। कैसे बेवकूफ हो तुम? तीसरा नियम याद रखना, अपना वादा भूल मत जाना, ठीक है ना? ठीक है, मैं आपसे खुश हूं, आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अलविदा। शुक्रिया।
अलविदा। शुक्रिया। अलविदा। मैं ये तुम्हारे लिए छोड़कर जाऊंगा। आगे एक शैतानी बाग डकैत है, चलो हम यहीं पर आराम करते हैं। थोड़ा अंधेरा हो जाने दो, फिर मैं यहाँ की परिस्थिति देखूंगा। कहीं वो हमसे ज्यादा हुए तो? नहीं, वो ज्यादा नहीं है, चिंता मत करो। चलो। डॉक्टर, देखो देखो उधर। अरे नहीं, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। हाँ? चलो चलो। नमस्ते महाराज, मैं आ गया। आजकल तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लोगों ने तुम्हारी सिफारिश की है मुझसे। शुक्रिया महाराज, मैं आपके उम्मीद पर यकीनन खरा उतरूंगा। हमारे आसपास कई गुप्त खतरे हैं, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। कृपया चिंता मत कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लियू यूलियन कहाँ चला गया? मुझे 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 सच में कुछ नहीं पता। वो लियू के साथ था, पहाड़ के पीछे भाग गया। मुझे सच में नहीं पता, सच क्या? तुम्हें नहीं पता? याद दिलाने में मैं मदद करूं? देखिए मेरी जिंदगी बख्श दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं आपसे, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल अपना ये अड्डा चला दो और डकैती बंद कर दो। करेंगे कर देंगे, हमें जीवित छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर फिर से मैंने तुम्हें ये सब करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है ठीक है, हमें जिंदा छोड़ने के लिए शुक्रिया आपका, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अब मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी है। मैं चाहता हूं तुम काम करके अपनी वफादारी साबित करो। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। सुनो, और हाँ, तुम मुझसे ताकतवर हो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, क्या मैं तुम्हारे दल में शामिल हो सकता हूं? अकेले काम करने की आदत है। हाँ, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, बस ये मामला सुलझ जाए, मुझे ढेर सारे पुरस्कार मिलेंगे, फिर वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है? मुझे नहीं चाहिए।
अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, पर मैं लड़ने के काबिल हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा, ठीक है? गाओ टियान, इतना बेरहम मत बनो। अगर वो कह रहा है तो हाँ कर दो ना। पूरा रास्ता तुम हमारा पीछा कर रहे हो ताकि तुम्हें खुद को छिपाना ना पड़े। अगर मैं तुम्हें ठुकरा दिया होता, मेरी योजना पर तुम पानी फेर देते किसी भी हद तक जाकर। वो लोग बड़े चालाक हैं, घोड़े के निशानों को तहस नहस कर दिया है ताकि हम उनका पीछा ना कर सके। वो लोग यहां से लगभग 4 घंटे पहले गुजर चुके हैं, हमें बस उनके पीछे लगे रहना है। चलो चलो चलो। वो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें अलग करना चाहते हैं, और अगर मैं घोड़े के निशानों के अनुसार देखूं तो वो इस तरफ गए। ऐसा लगता है कोई ल्यूलिन की रक्षा कर रहा है। कितना घटिया विचार है, एक भी निशान नहीं छोड़ा है, हम उनका पता कैसे लगाएंगे? हाँ ये न्यायांग क्षेत्र है, हमें न्यायांग चलना कैसा रहेगा कोई योजना बनाने से पहले? ठीक है चलो 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 चलो। हमारे पास कोई सुराग नहीं है, अब क्या करें? इसने पूरे रास्ते में लियू यूलिन की मदद की है, वो अंधेरे में छिप जाते हैं ताकि हम देख ना सके। लगता है ये मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल है, या शायद हमें ही अंधेरे में छिप जाना चाहिए। न्यायांग काफी बड़ा शहर है और किसी को मदद के लिए तलाशना होगा। लेकिन किसको? न्यायांग का पुलिस प्रमुख, वो मेरे पुराने मुखिया है, कई मामलों को उन्होंने अच्छी तरीके से सुलझाया है, वो हमारी मदद करेंगे। भरोसा कर सकते हैं? मैं अभी तक जितने पुलिस वालों को मिला हूँ वो उनमें से सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। चलते हैं। चलिए। अरे आप मान भाई, प्रमुख लियान। मुझे सच में खेद है, मैं किसी काम में था इसलिए मुझे आने में देर हो गई, माफ। कोई बात नहीं। पिंग गाओ तीन। पिंग, मैं तुम्हें कितना याद करता था, मुझे कभी नहीं लगा तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मैं कई वर्षों से नहीं देखा है, आ जाओ भाई। कितना याद आते थे तुम मुझे, समझे? आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन है, मेरा भाई आ गया गौतियन। चीयर्स। मुबारक हो। चीयर्स। चीयर्स। ये काम मेरे लिए छोड़ दो, ल्यूलिन को पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जब तक वो न्यायांग में रहेगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। प्रमुख लियांग, वो मुझे ये कहकर मत बुलाओ, मुझे भाई कहो। भैया मैं आपके लिए एक टोस्ट करता हूँ, मुबारक हो। मुबारक हो। शुक्रिया प्रमुख लियांग। मुबारक हो। मैं बस अभी आती हूँ। हाँ भाई। हाँ मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, अचानक से मुझे पहले वाली खुशी मिल गई जो हमें मिलती थी। इतने वर्षों में
मैंने तुम्हें कितना याद किया। लो मुबारक हो। हाँ मुझे नहीं पता तुम ठीक हो कि नहीं। आ, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करता था। लो पिंग थोड़ा और पी लो। क्या हुआ? सही कहा। कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है। वो मोटू पीने में उस्ताद है। अगर तुम मुझे उस दिन नहीं रोके होते तो मैं उसको मार देता। मगर अब वो एक शानदार आदमी बन चुका है। सही कहा ना? मुबारक 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 हो। और लाओ। लेकिन इतने वर्षों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ इस तरह मिलोगे, और उससे भी बड़ा तोहफा कि तुम अभी यहाँ प्रमुख बन गए हो। ये सब देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। संयोग है। हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। कौतियन, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। शायद दुनिया बदल गई है। आज की दुनिया में नियमों का पालन कोई नहीं करता। यही कारण है जिसकी वजह से हमारे देश की हालत हुई है। धूर्त लोग अब मुखिया बन रहे हैं। अब तो डकैत भी हमें धमका सकते हैं। मन करता है सबको एक साथ मार डालूं। पिंग, तुम उनकी फिक्र क्यों करते हो? तुम अपनी लड़ाई पर ध्यान दो और अपना नसीब खुद लिखो। हम कोई शांत जगह देखकर इस बारे में विचार करेंगे। इसके अलावा हम दोनों को कहीं और चलना बढ़िया रहेगा। चलो पियो। गौतियन, हमें चलना होगा। तो क्या योजना है? मैं तुम्हारे साथ हूं। एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब भी इसे पहने हो? बेशक। गौतियन, हम लोग साथ मिलकर इस दुनिया को बदल सकते हैं। जरूर। चलो। हमने कहा था कि हम साथ मिलकर दुनिया बदलना चाहते हैं। मुबारक हो। गौतियन, ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। काफी पहले हम बेहद उमंगी थे। मैं दुनिया बदलना चाहता था। लेकिन अब मुझे लगता हम बहुत भोले थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। या जीवन का सही मतलब ये तो नहीं? कोई बात नहीं, ये सब भूल जाओ। बस पियो। सही कहा तुमने। आधी रात को ये क्या कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम नशे में नहीं हो? तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा करने से पहले मैं नशा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। जब तुम लोग पी रहे थे मैं बाहर गई थी। वहां मैंने दूसरी मंजिल पर किसी को देखा। वो ल्यूलिन था। ज्यादा पीने की वजह से तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। वो मेरे पिताजी का हत्यारा है। मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगी? ये
सच में मायने रखता है। अगर ये सच रहा तो बहुत मुश्किलें होंगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो यहाँ छुपा हुआ है, मगर लियांग पिंग प्रमुख है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं वापस आ गई। जरूर, अगर सच में वही होगा तो उसका बच पाना मुश्किल है, ये मेरा वादा रहा। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? ये उनके घर के अंदर है। गाउथियन, कुछ तो बोलो। कोई तो रास्ता जरूर होगा, पहले मैं उसे ढूंढता हूं। चुप रहो, मेरे साथ आओ। शांति से काम लो। तुम क्या कर रहे हो? उससे मेरे पिताजी को मारा है। जल्दबाजी मत करो, वो एक बड़ा रहस्य छुपा रहा है, हमें पहले वो जानना चाहिए। पहले जांच करने दो कि ये वही है, उसके बाद हम उससे निपट लेते हैं। छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है लियांग पिंग कौन है? तुम्हें से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे तुम। अपनी बकवास बंद करो। बात सुनी? बकवास बंद करो। जेब में एक कपड़ा है, उससे छुप कराओ। पहले उसे बाहर ले जाओ, फिर हम इस पर बात करते हैं। नाटक करने में माहिर हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मेरे पीछे से चाल चल रहे हो। तुमने मुझे खुद ही कहा था कि इसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे, और मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया। भाई, मेरे अपने मुसीबत है, तुम उससे दूर नहीं ले जा सकते। क्यों?
उसने जो किया है उसकी हत्या होनी चाहिए। तुम मेरा गुस्सा जानते हो। दौतियन, समय है गुस्से पर काबू पाने का। बीते सालों में तुम काफी बदल गए हो। अगर हम दुनिया नहीं बदल सकते तो खुद को बदल सकते हैं ना? नहीं तो ये सब मुझे कैसे मिलेगा? पिंक, मैं तुम्हें एक एहसान करने को कह रहा हूं, चलो इसे लेकर चलते हैं। वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम यहां से ऐसे ही चले जाओ जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। तुम और मैं अब भी भाई हैं। हिला मत। दौतियन, ईमानदारी से बताओ तो वो आदमी मेरी जिंदगी की परवाह करता है, मुझे धक्का मत दो। और जोर से लगाऊं तो? मुझे धक्का मत दो। ठीक है, समझ गया। जाने दो इसे, चलते हैं। नहीं, तुम नहीं जा सकते। उसे मेरे पिताजी को मारा है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसे शांत कराओ। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। रुक जाओ, इनका सच में यही मतलब है। तुम उसे पा सकते हो, और हमारा क्या बताओ? तो मैं नियमों का पालन करूंगा। मैंने कहा था मैं मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं था। शुक्रिया, मान, जाने दो उसे। हाँ, उसे जाने दो। चलो ल्यूलिन, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। ल्यूलिन छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ल्यूलिन, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, जान ले लूंगी तुम्हारी। प्रमुख लियांग, आपको उसे नहीं जाने देना चाहिए था, आपको सबको मार दो। बस हो गया, अब मैं निकल जाऊंगा। दौतियन, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे उस समय क्या कहा था? तुम मेरी सहायता करोगे ये कहा था। तुम वादा तोड़ने वाले एक नीच इंसान हो, तुम तो एक खुदगर्ज आदमी हो। तुम्हें जो कहना है कहो। मैं लियांग पिंग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है, मान, क्या तुमने भी हार मान ली? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ल्यूलिन को नीचे लाने वाला हूं। उसे नीचे लेकर आओगे? और वो भी तुम? लियांग पिंग बहुत ही ज्यादा सख्त आदमी है। मुझे उसे बिल्कुल लाना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी सहायता करो या ना करो। ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम मौत को गले लगाना चाहते हो
तो इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और नायक बनना उतना आसान नहीं है। कुछ ऐसा है जो मुझे कर गुजरना है। प्रमुख जी, अब हम ल्यूलिन को और नहीं रख सकते हैं, वो आगे चल के हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैं इस बात को तुम पर छोड़ता हूं जी। दरवाजा खोलो, वो भाग रहा है, पीछा करो उसका, जल्दी जल्दी करो, पीछा करो, जल्दी करो, रुक जाओ। बस वे उसे मारना चाहते हैं। साथियों, हम सब तो एक साथी है ना, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी बख्श दो तुम। तुम्हारी जान बख्श दूं? तुम प्रमुख जी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? तमीज से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार अद्भुत तरीके से करने का वादा करता हूँ। मेरे प्रमुख जी की बहुत मदद की है, अब तुम मेरी जान भी नहीं बख सकते हो, ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ। तुमने बहुत कुछ किया है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। ठीक है फिर, अगर मैं नहीं रहा तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। मतलब है और तुमने ज़ियाओ यामिन को क्यों मारा है? तीन युवा को किसने मारा है? कुछ तो बताओ।
बताओ मुझे, तेंदुआ को किसने मारा? जब तुम आ ही गए हो तो बताओ मुझे, समझे? आ ही गए हो तो चलो शराब पीते हैं। लड़की को जाने दो। मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा, तुम हमेशा भरोसेमंद रहे। वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा हूं, असफलता की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। ये चूजे की योजना है। मुझे खुशी हुई। तुम्हें पता है मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूं, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। इसका मतलब है मैं काफी ताकतवर हूं। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरा नसीब और दौलत सब बांटेंगे। लेकिन ये पूरी तरह गलत है, अभी रुक जाओ। कौत्यन, जीवन में ऐसा मौका एक ही बार मिलता है, तुम्हें सोचना चाहिए।
सोचो जरा एक बार। अब तुम वो नहीं रहे जिसको मैं जानता था। याद करो मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था। मैंने कहा था मैं दुनिया बदलना चाहता हूं, मगर मुझे पता चला कि दुनिया को बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होती। तुम्हें शक्ति मिल सकती है, लेकिन तुम्हें नियमों को नहीं भूलना चाहिए। नियम? कैसे नियम? जो शक्तिशाली होते वही नियम बनाते हैं। मुझे देखो, मैं वो बनना चाहता हूं जो नियम बनाता हो। इसमें नसीब और शक्ति की क्या गलती है? अगर चूसे की योजना काम कर गई तो हम सब कर सकते हैं। मुझे अच्छे से पता है मैं सही हूं या नहीं। मुझे यकीन है मैं आज उसे दूर लेकर जाना चाहता हूं, और तुम्हें भी, क्योंकि मैंने मान से वादा किया था तुम्हें नीचे लाने के लिए। तुम कितने अच्छे भाई हो। Oh!
साथ अपनी जीत बांट नहीं सकते। रुक जाओ हाथों पर। ये मान के पिताजी के साथ ही है। तुम्हें मेरे साथ नीचे लाने के लिए तुम्हें ये हमेशा नीचे रखना होगा। बहुत संभल के करना होगा, पता है ना कैसे किया जाता है। इस काम को जरूर पूरा करना। जी सर। ठीक है, चलता हूं। मेरे पूर्वज 13 पीढ़ियों से हमेशा एक विख्यात जासूस रहे हैं। पिछले 1.5 वर्षों में मैंने किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ा है, ना ही कोई मामला सुलझाया है। लोग मुझ पर हंस रहे थे, मुझे निकम्मा कह रहे थे। तुमने भले ही किसी बुरे इंसान को नहीं पकड़ा, ना ही कोई मामला सुलझा पाए हो अब तक। मैं लियू लिन को नीचे लाऊंगा, नहीं तो मैं हरा हुआ इंसान बन जाऊंगा। मान पश्चिम में गांव देवी मंदिर के पास जाओ। अगर वहां सुश्री जाओ से मिलो, याद रखना गांव देवी मंदिर की मूर्ति के नीचे कुछ जरूरी चीज है। और मुझे एक वादा करना। हाँ, जरूर। ये पहला मामला है जिसको मैंने सुलझाया है। मैं इस मामले को सुलझाना चाहता हूँ किसी भी तरह से, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्या तुम लियांग पिंग को नीचे लाने में मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, मैं वादा करता हूं। मैं अगर मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए। मान को सुरक्षित रखने के लिए मैंने तुम्हारा चयन किया था, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं लियू यूलिन को पकड़ कर ही रहूंगा। ये काम मैंने खुद ही करना चाहिए था, लेकिन मेरे फैसलों ने मान की जान ले ली। मुझे उसके लिए अफसोस होता है। खुद को दोष मत दो, खेत तो मुझे होना चाहिए। अंत निकट आ रहा है, अलविदा कहने का वक्त आ गया। गौतियन, ख्याल रखना। तुम भी।